आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलो असेंबली आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में राज्य भर में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस ने लोगों के घरों में घुसकर उनको गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इन सभी कार्यकर्ताओं का घर मंगलहाट पीएस लिमिट के पास स्थित है, जहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वह यह आंदोलन जारी रखेंगे। कांग्रेस के लीडर गुल्लू महाराज का कहना है कि आने वाले 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस ही जीतेगा। जिस तरह पुलिस द्वारा कथित रूप से गिरफ्तार किए जाने पर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने कड़ी आपत्ति प्रकट की है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का कहना है कि राज्य सरकार के कथित इशारे पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट जबरदस्ती एक डिपार्टमेंट को यूज कर अपने जो आवाम की आवाज़ उठाने वाले, पब्लिक की आवाज़ उठाने वाले, गली से लेके दिल्ली के लीडरों तक पुलिस को रखे लोग अरेस्ट कर लिए। कांग्रेस का हमेशा नारा रहा जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी भी नारा दिए थे जय जवान जय किसान। आज ये तेलंगाना गवर्नमेंट जो किसानों का आवाज़ दबा रही, नौजवानों का आवाज़ दबा रही, ये KCR गवर्नमेंट ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सबका साथ इनका विकास हो गया है। ये गवर्नमेंट में ये लोग सबका साथ लेके अपने तीन जने का विकास कर लिए। एक KTR साहब है, एक KCR साहब है, एक मैडम कविता है। ये लोग अपना खुद पर्सनल विकास कर लिए। रही बात जो आज किसानों का समस्या के लिए हमारे सीनियर लीडर्स कांग्रेस के ये सब नेतागण असेंबली घेराव का प्रोग्राम बनाए थे, आज हर किसी लीडर को बहुत अरेस्ट कर लिए, भारतीय गणतंत्र को अरेस्ट कर लिए। खबरदार KTR KCR जी, आप जो ये पुलिस को रख के जो आप कर रहे बिल्कुल गलत कर रहे। आप ऐसे होशियार रहो, आपकी घबराहट जो आप एक डिपार्टमेंट को यूज़ कर रहे, आज आपको डर महसूस हो गया कि आने वाले टाइम पे कांग्रेस आने वाली है। इसीलिए आज एक डिपार्टमेंट को आप यूज़ करके जो आप आवाम की आवाज़ दबा रहे, वो आवाम की आवाज़ है, कभी दबी नहीं, कभी दबेंगी नहीं। आज डबल बेडरूम बोलकर आप जो है तो पब्लिक को जो है तो गुमराह कर रहे। 3.5 साल हो गया बच्चे आपके, 15 महीने कहाँ है आपका डबल बेडरूम? आपसे सरकार से पब्लिक पूछना चाह रही, कहाँ है आपका डबल बेडरूम? कहाँ है दलित मुख्यमंत्री? आप हमेशा माइनॉरिटी को धोखा देते आए। आप इलेक्शन के पहले बोले मैं स्पेशल जियो निकालूंगा, 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटी को दे दूंगा। कहाँ है आपका स्पेशल जियो? क्या फार्म हाउस में रखे आ गए आप? हमेशा आप तेलंगाना के लोगों को गुमराह करके आप सत्ता चला रहे। आप आने वाली गवर्नमेंट आपके लिए खबरदार, 19 में अगर हमारा गवर्नमेंट आएगा, जितने आपके स्टैम्प है डबल बेडरूम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वो एक जितने भी गलाटे हैं सब सामने आएंगे, इसके ऊपर जांच होगी और जनता से हम बोलेंगे कि जनता आपके साथ है। आप जो है तो कांग्रेस के ऊपर भरोसा रखो, आने वाले समय पे आप कांग्रेस को साथ दो, जय। और ये जो आपकी जो शादी मुबारक स्कीम जो चला रहे आप ब्रोकरों को रख के, महाराष्ट्र आपने आदिलाबाद के अंदर निजामबाद के अंदर एक ऐसा सामने आए KCR साहब, आप जो है तो शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी आपके एजेंटों को आपके कार्यकर्ताओं को आप छोड़ दिया वहाँ पे, 75,000 रुपये दिलाओ, 25,000 रुपये आप रख लो, ये आपका चल रहा, ये आपकी गवर्नमेंट चला रही है। आपके एजेंटों को पाल रहे आप, और जनता को ये मालूम हो गया नांदेड़ के जो पर्सन रिजल्ट आए, 81 के ऊपर इलेक्शन हुआ, 71 कांग्रेस आ गई। जो जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना मंजलिस जिसने भी इनका सफाया हो गया, और ये जनता उतनी बेवकूफ नहीं है, जनता होशियार हो गई, जनता को मालूम हो गया कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन पीछे से क्या कर रहे है। और आने वाली गवर्नमेंट बनने में कांग्रेस है। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हैदराबाद से सैयद हामिद की रिपोर्ट।